हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हील कंपेरियन। सो गाइस, अपने पास है आज जीपीएस की रोलिंग। तो बहुत सारे क्वेरीज थे आप लोगों के कि यार ये हाइट वाला बंदा कैसा लगेगा, ये छोटी हाइट में कैसे लगेंगे बाइक में लोग, और लंबी हाइट वाले कैसे लगेंगे इसमें। सो आपके सारे क्वेरीज फिनिश होने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.3 हाइट वाले बंदे को, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनूवर करके दिखाते हैं बाइक में, और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी दिखाएंगे उनको। तो भाई आओ और बैठ देता हूँ। ये बताइए भाई, आपको देखने में कैसा लग रहा है, आपको बाइक हल्की लग रही है या भारी लग रही है? बाइक हल्की लग रही है। थोड़ा पीछे करके दिखाइए आप थोड़ा। आगे पीछे करने में कैसा लग रहा है आपको? आगे पीछे करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। और पैर वैर तो आपको इजीली पहुंच जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रैफिक या कैसी रोडों में 5.3 वाले आप चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? और लोग जो 5.3 वाले हैं वो चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे? एक्सपीरियंस है तो अच्छे से चला लेंगे, मैं तो बिल्कुल चला रहा था। और बिगिनर्स को क्या बोलना चाहिए? बिगिनर्स को हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आएगी। तो ठीक है भाई, 5.3 वाले जो भी बिगिनर्स हैं वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का फेस कर सकते हैं बाइक को लेके, बट हाँ जो एक्सपीरियंस है वो आराम से चला सकते हैं। तो गाइस 5.3 वाले को तो आपने देख लिया यार, वो मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेगा उसको, बट बिगिनर्स है तो वो थोड़ा बहुत डर रहा है उससे। और 5.3 वाले उसको मेरे हिसाब से तो चला नहीं लेंगे, बट हाँ उसका कहना है थोड़ा कि यार बिगिनर्स को डिफिकल्टी होगी और एक्सपीरियंस उसको आराम से चला लेंगे। सो अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.5 वाले को, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनेज करके दिखाते हैं आपको और क्या बोलते हैं वो बाइक के बारे में। ठीक है, तो भाई आप और बैठ लीजिए। तो उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, ये फीट पे नज़र डालिए आप, दोनों टो इजीली पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और एक पैर ऊपर कर लें और एक पैर नीचे कर लें तो इनके एंकल भी आराम से पहुंच जा रहे हैं। तो भाई आप इसे कर देंगे भाई को। थोड़ा पास है। तो भाई आपको आगे पीछे करने में कैसे लग रही है? आगे करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि मेरे जो ये लोअर बैक का लोअर स्टमक का एरिया वो थोड़ा टच हो रहा है नीचे साइड से, बट पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और कंफर्टेबिलिटी आप इसको उठा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल आराम से। अच्छा, तो भाई 5.5 वाले इसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता यार उनको कोई भी डिफिकल्टी होगी। सो नेक्स्ट साइड की ओर बढ़ते हैं हम। 5.5 वाले का तो आपने देख ही लिया, तो हम बुलाने जा रहे हैं 5.6 वाले को, वो कितना कंट्रोल और मैनेज करके दिखाते हैं आपको। तो भाई बैठो और दिखाओ कि बाइक साफ चला पा रहे हो, चला पा रहे हो। कैसा लग रहा है आपको आगे पीछे करने में? आगे पीछे करने में कोई डिफिकल्टी ज़्यादा हो नहीं रही है, एक नॉर्मल सा फील आ रहा है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और बाइक से ना थोड़ी नॉर्मल सी लग रही है। तो सबसे पहले यार फीट भी दिखा देता हूँ आपको, फीट पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे? फीट तो ऑलमोस्ट पहुँचे ही हैं, एंकल थोड़ा बहुत उठा हुआ है, बट हाँ एक सिंगल पैर तो इनका आराम से पहुँच सकता है। और बाकी यार जैसा कि इन्होंने कहा कंफर्टेबिलिटी फील हो ही रही है, कुशन कैसा फील हो रहा है आपको सीट का? सीट तो काफ़ी अच्छी है, अच्छा मटेरियल। सो क्या कहना चाहेंगे आप 5.6 वाले को, वो चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे? आराम से चला लेंगे 5.6 वाले, और बिगिनर्स से वो भी चला लेंगे कि हाइट इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आराम से चला सकते हैं बिगिनर्स। सो भाई बिगिनर्स भी इसको चला सकते हैं और एक्सपीरियंस तो आप चला ही सकते हैं, 7, 8, 9, 10 तक आराम से आप चला सकते हैं। फाइनली मैं 5.11 वाला हूँ, तो अपनी हाइट पे मैं टेस्ट करना चाहूँगा बाइक कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। सो अब मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा कैसी लग रही है भाई। भाई हैंडल्स ग्रिप्स तो काफ़ी इसके वाइड है, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको जो भी इस बाइक को खरीदने वाला है। और साथ ही मैं बता दूँ मेरे फुट आप देख सकते हैं आराम से इसलिए टच कर रहे हैं, और आप मेरे फीट को देख सकते हैं टच कर पा, मेरे टूज भी इजीली टच हो जा रहे हैं और एंकल तो है ही टच। ठीक है, तो आगे पीछे करके दिखाते हैं, मुझे वैसे तो भारी नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी बाइक, पीछे करने में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं आराम से कर लूँगा ट्रैफिक में, आगे करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे लगता है 5.11 वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। लास्ट हाइट की ओर बढ़ते हैं, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनेज करके दिखाते हैं इसको, 6 फीट है जो कि भाई आओ और बैठ के दिखाओ। और सब इनका काफ़ी लंबा है, तो पैर तो वैसे इजीली पहुँच जा रहे हैं देख सकते हैं आप, इनकी ए सी डाइट तो बाइक की इतनी खास नहीं है यार, मतलब बहुत नॉर्मल ए सी डाइट, और फूट आप देख सकते हो इजीली पहुँच जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली पहुँच जा रहे हैं ये स्पीड को अपने, और आगे पीछे करके दिखाओ भाई। आप
आपने देख ही लिया आगे पीछे करने में यार इनको बहुत इजीली ये आगे पीछे कर लेते, जैसे हम लोग साइकिल को आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। पूछ भी लेते हैं भाई को कैसी प्रॉब्लम होगी भाई, बताइए। आगे पीछे करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी थोड़ा मेरे को टर्निंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी बहुत जा रहे हैं तो ओवरऑल बाकी बाइक की क्वालिटी वो हैवी तो आपको लगती होगी हाथ से, ठीक है भाई। तो बाइक इतनी हैवी नहीं है, 6 फीट वाली भी इस बार चला सकते हैं, उससे ऊपर तो कोई भी इसको चला सकता है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ओवरऑल मैंने सारे हाइट्स कवर कर दिए जो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो बड़े हाइट वाले भी मैंने दिखा दिए, छोटे हाइट वाले भी दिखा दिए हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं इस बाइक को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।